नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। सांसद समाचार आप देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम की सबसे बड़ी समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू वोट लेने का काम करती है, जहां बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया बताएं, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। राम मंदिर निर्माण के चंदे का हिसाब भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के दरमियान किस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम की सियासत हुई है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राम के नाम की सियासत की सुगबुगाहट बेहद तेज है। उनका आइडियोलॉजी कभी नहीं रहा। राम को मानने वाले हमारे नेता, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी बापू, जब गोली लगी थे राम करके उन्होंने प्राण त्यागा, उससे बड़ा कोई राम भक्त हो सकता है? और ये राम के बारे में क्या कहेंगे? राम तो जन जन में व्याप्त है। ये धर्म के नाम से उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। हिंदुओं के नाम से वोट लेते हैं, केंद्र में कई बार इनकी सरकार बनी है, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया क्या? हिंदू में कौन हिंदू? क्या मजदूरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या बुनकरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या किसानी करते वो हिंदू नहीं है? क्या जो व्यापार करते वो हिंदू नहीं है? तो क्या इन लोगों के लिए क्या किया? आज सड़कों पर उतर आए, पूरे देश की जीएसटी है और जीडीपी है, वो रसातल में चला गया है। तो छत्तीसगढ़ में राम के नाम की सियासत शुरू हो गई। आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध है। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता श्री राम का अनुसरण करते थे। उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम पर हिंदुओं का वोट बैंक अपने कब्जे में रखना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि अब तक आखिर हिंदुओं के लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया।